अगर आप मोहाली से हैं और आपके आधार कार्ड में अगर नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज या नेम करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में नेम के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम्स है, नेम चेंज करना चाहते हैं, सरनेम में चेंज करना चाहते हैं, सरनेम ऐड करवाना हो या रिमूव करवाना है, या आपका सरनेम इनिशियल लिखा हुआ है उसको फुल लिखवाना चाहते हैं, या फुल नेम ही आप अपना चेंज करवाना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अपने आधार कार्ड में नेम चेंज या नेम करेक्शन करवा सकें। तो आइए हम जानते हैं कि ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। इसकी मदद से आधार कार्ड में नेम चेंज या नेम करेक्शन करवाना बिल्कुल पॉसिबल है, और इसकी ये सर्टिफिकेट आपका हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होता है, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ ये वर्क करता है। इसकी मदद से बिना किसी प्रॉब्लम के आधार कार्ड में चेंजेस और करेक्शन करवा सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें मेंशन होती है आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम, आपका एड्रेस, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका दोनों में आपका एड पब्लिकेशन होता है, वन लोकल एंड वन नेशनल। जो डिटेल्स आपके एफिडेविट में मेंशन है वही सेम डिटेल आपको न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवानी होती है। तीसरा, डिजिटल सीटी आपने रेडी करवानी है। थ्री स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी फाइल के साथ अपनी आईडीज को अटैच करना है। आईडीज को अटैच करने के बाद फ्रंट पेज पे दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर सिग्नेचर करके कंप्लीटली अपनी फाइल को रेडी करके गवर्नमेंट ऑफिस जाना है और फाइल को जमा करवाना है। गवर्नमेंट ऑफिस जाने के बाद कुछ दिन इंतजार करने के बाद गवर्नमेंट की साइट से जैसे ही गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अपनी गजट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने नेम को हाईलाइट करके सिग्नेचर करके कम्प्लीटली उसको रेडी करके गजट नोटिफिकेशन उसकी मदद से आप आधार सेंटर जाके और गजट नोटिफिकेशन दिखाकर अपने आधार कार्ड में नेम चेंज या नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।